सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली आप लोगों को डिमांड पे एक न्यू रिव्यू के साथ आ चुके हैं। तो आज हमारे सामने जो है वो गाड़ी है जबरदस्त, मतलब भाई एसी वाला पिकअप आप लोगों ने लेके आ चुके हैं। ये गाड़ी आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, यह गाड़ी मार्केट में कितने तक का मिल जाएगा, बाकी हर एक चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। माइलेज से लेके गाड़ी का कूलिंग सिस्टम कैसा है, गाड़ी आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात आता है, तो ये भी आप लोगों को वीडियो में बताने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर अगर सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता है। तो भाई हमारे सामने है महिंद्रा का बुलेरो पिकअप, देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का सामने का लुक है, मतलब भाई सेम लुक दिया हुआ है, लेकिन इसमें अलग क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ भाई कूलिंग सिस्टम, मतलब देखिए कूल ड्राइव लिखा हुआ है। तो ये भाई एसी वाला पिकअप है, एक नॉर्मल पिकअप नहीं है, ये एसी वाला पिकअप है। और भाई ये कितने का माइलेज दे देता है, क्या दे देता है, हर एक चीज़ आप लोग को बताने वाले हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं इंजन तो भाई आपको सेम मिल जाता है, जैसा कि BS6 वाला आजकल न्यू वाला इंजन आ रहा है तो वही वाला इंजन लगा हुआ है, लेकिन भाई इसमें ना अलग से दिया हुआ है जो एसी का जो गैस का सिस्टम दिया होता है वो सब दिया होता है। बाकी देख सकते हैं इधर गैस का पाइप लगा हुआ है। तो गाड़ी चला के भी दिखाएंगे कि गाड़ी कैसा चलता है, गाड़ी चलने में तो भाई हमें लगता है कि सेम ही होगा, लेकिन इसका जो कूलिंग सिस्टम वो कैसा वो भी आप लोगों को अंदर चल जब चलाएंगे तो बताएंगे। तो देख सकते हैं गाड़ी का इंजन कुछ इस तरीके का है। तो भाई आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट पे, इंजन के बारे में बता दिया, फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ये जैसे कोई गाड़ी का ना कुछ अलग तरीके का दिया रहता है, इसका भाई एकदम नॉर्मल वाला हेडलैम्प दिया हुआ है। बाकी अभी तो न्यू वाला भी आ चुका था, लेकिन इसमें कंपनी ने चेंज कर दिया, मतलब जो बुलेरो जो गाड़ी होता है ना बंद वाली उसमें और बुलेरो पिकअप में सेम लग रहा था देखने में, इसी वजह से कंपनी ने फिर से ये सादा वाला मॉडल कर दिया। लेकिन हमारे गाड़ी में सादा वाला नहीं है, ये अलग वाला है, मतलब यहाँ से कुछ अलग फील देता है, यहाँ से अलग देता है, तो ये एकदम नॉर्मल पूरा पूरा सादा है, ठीक है। बाकी भाई ने बम्पर अगर लगवा के रखा हुआ है, देख सकते हैं इतना हैवी बम्पर और चार लाइट, 1 2 3 4 ये लाइट अच्छा पिकअप में जरूरी होता है, क्योंकि ना पूरा एकदम नीचे तक पूरा लाइट दिखता है। और ये देखिए भाई का फूट भी गया, टूट गया है। तो बाकी आ जाते हैं सामने, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो भाई मिलता ही हर गाड़ी में, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग है, तो हमारे एक्स्ट्रा लॉन्ग में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल डाला है, तो इसी वजह से इसमें अलग से ये फाइबर का दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है, तो देख सकते हैं गाड़ी का लुक इधर से कुछ इस तरीके का है। बाकी ये जो कूल ड्राइव है ना भाई, ये देखने में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कूल ड्राइव, मतलब ड्राइवर लोग एकदम कूल होकर गाड़ी चलाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, चला के भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं गाड़ी। गाड़ी का जो आगे का बोनट है ना, इसमें देख सकते हैं ये थर्माकोल जैसे थर्माकोल होता है ना वो नहीं है, ये भाई स्पंज दिया हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं, इससे ताकि गाड़ी का ऊपर का जो बोनट है ज़्यादा हीट ना हो, बाकी इंजन का हीट ज़्यादा ऊपर ना आए। तो इसका भाई देखने में कितना अच्छा लग रहा है, 1 2 3 4, बाकी हम लोग के एक्स्ट्रा लॉन्ग में ऐसा नहीं दिया हुआ है। अब पता नहीं कंपनी वाले हैं भाई, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग करते रहते हैं गाड़ियों में। तो भाई जो कूल ड्राइव पिकअप है इसमें आ जाते हैं, कमानी पट्टा कितना मिल जाता है, तो कंपनी की तरफ से टोटल 7 कमानी पट्टा इसमें मिला हुआ था, तो भाई ने अलग से 4 कमानी पट्टा बढ़वाया है। तो बाकी देख सकते हैं रेडियल टायर आपको मिल जाता है कंपनी की तरफ से। और आ जाते हैं पीछे की तरफ, ढाला भी तो फिलहाल खुला हुआ है, बंद करते हैं ढाला को, ये देख सकते हैं भाई, एक सेकेंड बंद कर दो। तो फिलहाल यहाँ पे भाई ने इसमें लगवा के रखा है बम्पर, ये देख सकते हैं बम्पर लगवा के रखा है, इसमें ना कुछ लोडिंग हो रहा है, तो ढाला खोल दो यार। दो भाई जैसा नॉर्मल चीज़ है, मतलब नॉर्मल जो गाड़ियों में मिल जाता है वैसा ही मिल जाता है, 1 2 इसमें सेंसर मिल जाते हैं। बाकी पीछे देख सकते हैं भाई, ये अलग से भाई ने बनवाया है, मतलब कंपनी का जो होता है ना बहुत जल्दी टूट जाता है, इसी वजह से इसको अलग से बनवा के भाई ने रखा हुआ है। हमारा तो भाई गाड़ी का 1 ही महीना में टूट गया था, लेकिन ये अब टूटेगा नहीं, इसको हटवा के भाई ने अलग से बनवाया है, स्टेपनी रखने वाला। तो फिलहाल इधर आ जाते हैं साइड में, भाई साइड का देख सकते हैं कुछ लुक इस तरीके का है, मतलब ये भी अलग से भाई ने लगवाया हुआ है, ये लगाने से ना थोड़ा सा गाड़ी का लुक और बढ़ जाता है। ये देखिए इधर भी लगवा के रखा है जाली टाइप का, और बाकी पटरा भी लगाने का इसमें जगह नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई कोई गाड़ी वाले होते हैं कि पटरा रखने के लिए भी अंदर जगह बनवा लेते हैं, जिसको मतलब कुछ कंपनी का माल अगर लेके पूरा पटरा पीछे रख के चलाना होता है, मतलब माल गिरे ना, तो इसी वजह से पटरा भी रखने का जगह बनवा लेते हैं। फिलहाल भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर, आप लोगों को अंदर का सिस्टम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें सिस्टम दिया हुआ है। बाकी रेट भी आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग रेट है, गाड़ी का रेट कितना है, मतलब ऑन रोड कितने का आ जाता है बनारस में गाड़ी, तो अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। बाकी आप लोग को वहाँ पे कितने का मिलता है वो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आ जाते हैं अंदर पे, तो ये देख सकते हैं भाई अंदर से ना लुक भाई किसी लग्जरियस गाड़ी से तो कम लग ही नहीं रहा है। और भाई एक और नया चीज में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बोलेरो लिखा भी हुआ है। बाकी गाड़ी थोड़ा सा यार
चाबी खोल के दिखाते हैं कैसा लगता है। एक मिनट भाई, ओ भाई पूरा भाई लग्जरियस सिस्टम, ये देख सकते हैं 23,000 किलोमीटर भी गाड़ी चला भैया का। तो ये पूरा जो है ना, ये जो न्यू वाली बुलेरो आ रहा है एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर, अच्छा इधर कुछ नहीं दिया है, बाकी इधर पूरा दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन इसका मीटर का फंक्शन है। बाकी 23,000 देख सकते हैं, 23,000 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो आ जाते हैं एसी के बाद भाई, कि एसी वाला गाड़ी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो आपको गाड़ी चलाने के बाद ही बता पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये भाई कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, ये सब पूरा एसी वाला सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा एसी लगा हुआ है, और इधर देख सकते हैं। अच्छा तो भैया ने मेरे लिए पानी भी लेके आ गया, थोड़ा पहले पानी पीते हैं उसके बाद फिर आप लोगों को बातें करेंगे भाई, पहले पानी पीते हैं भाई। तो फाइनली भाई पानी अगर पी लिया तो देख सकते हैं इधर बाजा लगा हुआ है, भाई ने अलग से लगवाया बाजा, लेकिन बाजा का सिस्टम यार कम से कम यहाँ पे देना चाहिए था, बहुत नीचे हो गया। ठीक है तो फिलहाल यहाँ पे भी एसी का दिया हुआ है, मतलब इधर से एसी का हवा निकलेगा और यहाँ से भी एसी का हवा निकलेगा। कैसा लग रहा है एसी वाला गाड़ी तुमको? बस यही दिक्कत है कि चलाने माइलेज घट जाता है। माइलेज घट जाता है वो बताएंगे भाई, क्यों नहीं लेना चाहिए माइलेज वाली गाड़ी और क्यों लेना चाहिए सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे तब बताएंगे। तो भाई फाइनली अभी हम एसी चालू करके गाड़ी पे बैठे हुए हैं, भाई साहब जबरदस्त कूलिंग कर रहा है, मतलब इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम इसमें दिया है ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब लग ही नहीं रहा कि भाई हम पिकअप पे बैठे हुए हैं। भाई हमको भी एसी लगवाना है, अब देखो भाई कब तक लगवा पाते हैं अपने गाड़ी में एसी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए अगर किसी को जानकारी है, अगर कोई वाराणसी में बढ़िया कोई एसी लगाने वाला हो भाई, ज्यादा गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एसी लगवाने के बाद में, तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। इंस्टा आई डी है बुद्धा देव ट्रिपल सेवन टू मेरा इंस्टा आई डी है। हमको भी अपने गाड़ी में एसी लगवाना है पिकअप में, अगर कोई जानकार हो तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। तो दिखाते हैं भाई एसी चालू करके फिलहाल बैठे हुए हैं, देख सकते हो दोनों शीशा बंद है, एक शीशा और ये दोनों शीशा बंद कर दिया है मैंने, और ये देखो ये भाई दो नंबर पे मैंने चालू किया है हल्का, और एक नंबर पे भी एसी चल रहा है, मतलब एकदम हल्का धीरे धीरे निकल रहा है। तो करना क्या है इसमें भाई, अगर जैसे रात को आप सोना चाहते हैं, जैसे चलती गाड़ी में अगर चलाएंगे तो भाई माइलेज अगर थोड़ा इशू आ सकता है, कितना घटेगा माइलेज वो तो आप लोगों को थोड़ा देर में बताने वाले हैं, पहले आप लोगों को एसी का कूलर दिखाते हैं। तो एसी फिलहाल एक नंबर पे भी चालू किया है, दो नंबर और तीन नंबर में आपको ज्यादा हवा निकलेगा, मतलब इसके अंदर से कूल, हमको लग रहा है कि तीन नंबर जब चालू कर रहे हैं तो कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा कम हो जा रहा है, बाकी हवा तो भाई जबरदस्त निकल रहा है। यह है कि भाई सही है यार, मजा आ रहा है भाई, पहली बार कोई एसी वाली वो भी पिकअप में बैठे हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, दिल खुश हो गया। बाकी भाई मजा आ रहा है इस गाड़ी में बैठ के, ताकि ये जो मीटर दिया है ये मीटर लग्जरियस लग रहा है, केबिन लग्जरियस है, हर एक चीज मजा है भाई, बस एसी की वजह से इस गाड़ी का जो सिस्टम है ना वो काफी हद तक ऊंचाइयों में चला गया है। तो ये सही है भाई, बुलेरो पिकअप एसी वाली लेना चाहिए इंसान को यार। बाकी अब आ जाते हैं भाई, आपको ये गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो भाई ये गाड़ी अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो ये गाड़ी अगर आप पर्सनल मालिक है, आपको अपने हाथ से ये गाड़ी चलाना है तो आप ले सकते हैं बेहिचक। ड्राइवर को अगर देना है, जैसे आपको एक गाड़ी पे तीन ड्राइवर दो ड्राइवर चढ़ रहा है, मतलब आपको डेली गाड़ी चलवा रहे हैं, कच्चा माल में गाड़ी चलवा रहे हैं, हमारे बनारस का ये हालत है, जब सीजन चालू हो जाता है तो 4-5 ड्राइवर एक गाड़ी के लिए अवेलेबल रहते हैं, मतलब डेली चक्कर मारना है। एक ड्राइवर गया फिर आया बनारस, गाड़ी तुरंत रुका नहीं, लोडिंग होकर फिर दूसरा ड्राइवर लेके चला गया, फिर आया वो फिर दूसरा ड्राइवर लेके चला गया। तो इस तरीके से अगर गाड़ी आप चलवाते हैं रफ तरीके से, तो गाड़ी में आप एसी मत लीजिए, मतलब एसी वाला गाड़ी आप मत लीजिए, नॉर्मल गाड़ी लीजिए बिना एसी वाली। अगर आप अपने हाथ से चलाते हैं, जैसे हम खुद मालिक है अपने हाथ से हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं, अगर आप इस तरीके चलाते हैं तो आप एसी वाली गाड़ी बेहिचक ले सकते हैं, क्योंकि कभी मान लीजिए गाड़ी लोडिंग करने के लिए गए आप, तो क्या करना है कि आप सोने का दिक्कत है तो भाई गाड़ी चालू करके 2-3 घंटा सो सकते हैं, माइलेज अगर आप बहुत ज्यादा कम नहीं है, भाई महिंद्रा का गाड़ी है इतना बड़ा इंजन है, तो ये गाड़ी आपको इसीलिए नहीं लेना चाहिए कि अगर ड्राइवर से आप चलवाएंगे तो गाड़ी आप ये गाड़ी भूल के मत लेना, ठीक है। अगर ये गाड़ी अपने हाथ से आप चलाएंगे तो ये गाड़ी आप बेहिचक लीजिए, 12 का माइलेज आपको मिल जाएगा, बाकी आप गाड़ी अगर भगाते हैं तो भाई 10 से ऊपर माइलेज नहीं मिलेगा। भाई तुमको यार गाड़ी कूलिंग सिस्टम कैसा है, आओ अंदर बैठो, लग रहा बुलेरो पिकअप बैठे हो, नहीं। तेज कर दिया सी, और लग रहा बुलेरो,
सो जाए मजा आएगा, मजा आएगा ना। तो मैंने बता दिया आप लोगों को ये गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, तो आप लोग अपने हिसाब से क्या डिसीजन लेते हैं कमेंट जरूर करिएगा। बाकी थोड़ा चला के दिखाते हैं आप लोग गाड़ी। तो फिलहाल भाई अभी गाड़ी को ड्राइव करने जा रहे हैं और आप लोग को बताते हैं भाई गाड़ी चल कैसा रहा है। कैसा लग रहा है भाई साहब? गाड़ी तो जबरदस्त चल रहा है बस। और ये गाड़ी का रेट को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये गाड़ी बहुत महंगा नहीं आता है। जैसे आप नॉन एसी गाड़ी लेते हैं ना, तो नॉन एसी गाड़ी जो बुलेरो पिकअप है वो आपको मार्केट में, जैसे हर जगह का रेट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जैसे कोलकाता में 9.5 लाख के ऊपर का है और वाराणसी में 9 लाख के ऊपर का है। तो एसी गाड़ी लेंगे तो वही 15 से 20 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को बता दिया गाड़ी क्यों आपको नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए गाड़ी। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप अगर ड्राइवर से ड्राइव करवाते हैं, ड्राइवर को कहीं भेजते हैं, तो ये गाड़ी आप भूल के भी मत लीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी पे 2-3 ड्राइवर 4 ड्राइवर रख के आप गाड़ी चलवा रहे हैं, डेली चलवा रहे हैं, तो आप एकदम भूल के ही मत लेना ये गाड़ी, ये तो बर्बाद हो सकते हैं। और एक चीज भाई, अगर गाड़ी आप अपने हाथ से चलाते हैं, जैसे हम खुद मालिक है जैसे अपने हाथ से चला रहे हैं, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से चला रहे हैं तो अपने तरीके से आप गाड़ी को चलाएंगे। बाकी कूलिंग सिस्टम गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है, हमें तो भाई बहुत ही अच्छा लगा ये गाड़ी चला के। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट करके बताइए, और आप लोग के यहाँ पे ये गाड़ी कितने तक का मिल जाता है वो भी कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि उससे क्या है ना कि हमको पता चलेगा कि भाई ये गाड़ी कितने का है। तो फिलहाल जिसका गाड़ी है वो भाई साहब आना नहीं चाह रहे कैमरे पे, नहीं तो हमारे दो मित्र ही है, उनको भी आपसे मुलाकात करवाते, कोई बात नहीं है कभी ना कभी मुलाकात करवाएंगे। तो गाड़ी को खड़ा करते हैं, उनको ना आज कहीं बुकिंग में जाना भी है तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, गाड़ी को साइड लगाते हैं, भैया हमारे जाएंगे बुकिंग पे, तो फिलहाल बातें करेंगे कुछ देर बाद जब इधर से निकलेंगे तब। फाइनली भाई घर पे आ चुके हैं, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये एसी गाड़ी किसके किसके पास में है एसी वाला पिकअप वो भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ भाई प्राइस तो आप लोगों को बताना ही है कि कितने का आप लोगों को वहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।